साल 1947 की बात है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होते ही सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना अलग अलग रियासतों को अपने अपने देश में मिलाने की कोशिश में जुट गए। दोनों का ध्यान हर छोटी बड़ी रियासत पर गया, लेकिन लक्षद्वीप की तरफ किसी ने नहीं देखा। वैसे तो लक्षद्वीप भारत के मालाबार कोस्ट से जुड़ा था और मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, इसीलिए इसे भारत में मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ की 96% आबादी मुस्लिम थी। इसीलिए जिन्ना को लगने लगा कि लक्षद्वीप पर तो पाकिस्तान का हक है। उन्होंने लक्षद्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया और पाकिस्तानी नेवी के कुछ वॉरशिप लक्षद्वीप की तरफ भेजे। लेकिन जैसे ही ये वॉरशिप वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि लक्षद्वीप के हर आइलैंड पर पहले से ही तिरंगा लहरा रहा था। ये देख पाकिस्तान के वॉरशिप को वापस लौटना पड़ा और जिन्ना समझ गए कि पटेल उनसे दो कदम आगे हैं। कहते हैं कि पटेल को इस बात की भनक थी कि जिन्ना लक्षद्वीप पर कब्जा करने की फिराक में हैं। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि पाकिस्तान के वॉरशिप लक्षद्वीप की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और मुदलियार ब्रदर्स को लक्षद्वीप भेजा। रामास्वामी मुदलियार मैसूर के 24वें और आखिरी दीवान थे। वहीं उनके भाई लक्ष्मण स्वामी मुदलियार उस समय के फेमस डॉक्टर थे। मुदलियार ब्रदर्स पटेल के करीबी थे। जैसे ही पटेल ने उनसे लक्षद्वीप जाने को कहा, दोनों भाई शिप और आर्मी लेकर वहां पहुंच गए और तिरंगा फहरा दिया। इस तरह लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन गया। आज लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है, लेकिन हेडलाइंस में ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है। जनवरी 2024 में लक्षद्वीप गूगल का सबसे ट्रेंडिंग कीवर्ड रहा। ट्रैवल बुकिंग साइट्स पर भी लोग लक्षद्वीप के बारे में 10 गुना ज्यादा सर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव ट्रेंड करने लगा और लोग मालदीव की बुकिंग कैंसिल कराकर लक्षद्वीप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल आता है क्यों? दरअसल हुआ यूं था कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नए साल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें शेयर की, जिन पर कमेंट करते हुए मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने उन्हें अपशब्द कहे। इससे भारत के लोग गुस्सा हो गए और मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप ट्रेंड होने लगा। हालात ये हो गए कि मालदीव की सरकार को तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड करना पड़ा और लोगों का ध्यान इसी बहाने लक्षद्वीप पर गया। मालदीव को दुनिया ट्रॉपिकल हेवन कहती है। दिल्ली से भी 5 गुना छोटे एरिया में फैले मालदीव का एरिया सिर्फ 298 स्क्वायर किलोमीटर ही है, लेकिन ये देश 1200 खूबसूरत आइलैंड्स की एक चेन है, जहाँ की खूबसूरती के कारण सबसे ज्यादा भारतीय यहीं घूमने जाते हैं। मालदीव की खूबसूरती को लक्षद्वीप कितनी टक्कर देता है? कैसे इस्लाम इन दोनों जगहों का मेन रिलीजन बना? क्या इम्पोर्टेंस है लक्षद्वीप की भारत के लिए? और कैसे मालदीव का इतिहास भी भारत से जुड़ा है? इन सवालों का जवाब छिपा है इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा अरबों साल पहले, जब दुनिया के नक्शे पर आइलैंड या कहें कि द्वीप बनने जा रहे थे। आज से करीब 6,60,00,000 साल पहले की बात है। भारत और अफ्रीका एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उस वक्त धरती पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो या कहें कि ज्वालामुखी थे, जिनमें से एक ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया और इस कारण निकले मैग्मा ने एक दरार बनाई। इस दरार के कारण इंडिया अफ्रीका से अलग हो गया और इंडियन प्लेट नॉर्थ डायमेंशन में खिसकती चली गई। इस घटना से कई सारे वोल्केनिक आइलैंड्स बने और इन्हीं आइलैंड्स की एक चेन से एक ग्रुप बना, जिसे चैगस लैकाडाइव कहा गया। लक्षद्वीप इसी चैगस लैकाडाइव का हिस्सा था। लक्षद्वीप जहां है उसे रीयूनियन हॉटस्पॉट कहते हैं। कहते हैं कि इंडिया के पास इसी तरह आइलैंड्स के दो बड़े कलेक्शन हैं। इनमें से एक है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान बंगाल की खाड़ी में बसा है, जहां 800 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स का एक ग्रुप है। माना जाता है कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब ये बना था और इसी टक्कर की वजह से भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ हिमालयन रेंज बनी। वहीं लक्षद्वीप अरब सागर में है, जो केरल के कोस्ट से 200 से 400 किलोमीटर की रेंज में मौजूद है। लक्षद्वीप के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले इंसानी कदम 3500 साल पहले पड़े थे। ग्रीक टेक्स्ट में लक्षद्वीप का पहला जिक्र मिलता है। इतिहास बताता है कि जब भारत में बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, तब बौद्ध मंक लक्षद्वीप पहुंचे। बौद्ध जातक कथाओं में बताया गया है कि बौद्ध भिक्षु संगमित्र यहां आए थे, जिसके बाद लक्षद्वीप में बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। संगम काल में यहां चेरा साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमाल का राज हुआ। दूसरी तरफ अरब कंट्रीज में भी इस्लाम पैर पसार रहा था। कहते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत के 3 दशक बाद ही संत ओबिदुल्ला लक्षद्वीप आए। वो मदीना में पैदा हुए थे और इस्लाम के पहले खलीफा
अबू बकर के रिश्तेदार थे। उनके बेटे अबू बकर इब्न उबिदुल्ला ने अपनी किताब फुतुहतुल जायजर में बताया है कि कैसे उनके पिता ने लक्षद्वीप में इस्लाम का प्रचार किया था। लक्षद्वीप के एंड्रोट में आज भी उबिदुल्ला की कब्र बनी हुई है। 11वीं सदी में लक्षद्वीप पर चोल राजाओं का राज हुआ, जिन्होंने यहाँ पोर्ट्स बनवाए और व्यापार करना शुरू किया। 15th सेंचुरी में जब यूरोप से पुर्तगीज इंडिया आए तो उन्होंने गोवा के साथ साथ दमन दीव और लक्षद्वीप पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने यहाँ कई किले और चर्च बनवाए थे, लेकिन 1540 में यहाँ की जनता के विरोध के कारण पुर्तगीज को लक्षद्वीप छोड़ना पड़ा। इसके बाद लक्षद्वीप की स्टोरी में एक बड़ा चैप्टर खुला 1787 में। हुआ यूं कि मैसूर के टीपू सुल्तान ने साउथ के कई दूसरे रीजन्स समेत लक्षद्वीप पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर टीपू की अंग्रेजों से लड़ाई हो गई। अंग्रेजों और टीपू की जंग को इतिहास में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। इतिहास बताता है कि इस जंग में टीपू हार गए और लक्षद्वीप अंग्रेजों के हाथ लग गया। उस वक्त केरल पर अरक्कल सुल्तान का राज था, जिन्होंने लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स को लीज पर दे लिया, लेकिन जब वो बदले में भाड़ा नहीं दे पाई तो अंग्रेजों ने इसे सुल्तान से वापस ले लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़कर मालाबार का हिस्सा बना दिया। अब अंग्रेज लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने लगे। 1885 में उन्होंने यहाँ मिनिकॉय द्वीप पर 162 फीट ऊंचा एक लाइट हाउस बनवाया। कहते हैं कि इसे बनाने के लिए उन्होंने खास तौर पर लंदन से ईंटें मंगवाई थी। उस दौर में ही लक्षद्वीप इंडियन ओशन के ट्रेड रूट का एक अहम पड़ाव बन गया था। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर ही नजर रखी जा सकती थी। मिलिट्री और बिजनेस दोनों के हिसाब से ही ये काफी इम्पोर्टेंट था। यही कारण था कि 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब जिन्ना ने लक्षद्वीप हड़पने की कोशिश की, लेकिन पटेल की समझदारी ने जिन्ना के इरादों पर पानी फेर दिया। इतिहास बताता है कि अगर इंडियन शिप पहुंचने में आधा घंटा लेट हो जाते तो लक्षद्वीप पाकिस्तान का हिस्सा होता, लेकिन पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया और आखिरकार खूबसूरत आइलैंड्स की ये चेन भारत को मिल ही गई। 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप को यूटी बना दिया। तब तक इसे लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी कहा जाता था। लक्षद्वीप नाम तो 1973 में मिला, जो संस्कृत भाषा के शब्द लक्ष्य और द्वीप से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लाखों द्वीपों का एक ग्रुप। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें 100,000 नहीं बल्कि सिर्फ 36 द्वीप थे, जिनमें से भी एक समंदर ने निकल लिया। यानी कि अब लक्षद्वीप में छोटे बड़े 35 आइलैंड बचे हैं, जिनमें से सिर्फ 10 पर लोग रहते हैं। करवत्ते यहाँ के कैपिटल सिटी है, जहाँ लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। बिट्रा आइलैंड में 271 और बंगाराम आइलैंड में तो सिर्फ 61 लोग रहते हैं। बंगाराम वो ही आइलैंड है जहाँ पर सोनिया गांधी की फैमिली और अपने कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने खुद राजीव गांधी आए थे और पूरे 30 दिन यहाँ रुके थे। दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर वो बच्चन फैमिली के साथ आए थे और उनकी सिक्योरिटी के लिए इंडियन नेवी के वॉरशिप INS विराट को पूरे 10 दिनों तक अरब सागर में खड़ा किया गया था। इसी बात को लेकर कुछ सालों पहले अपने इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने उन पर कटाक्ष भी किया था और उस वक्त ये मीडिया में एक बड़ा मुद्दा भी बन गया था। लेकिन इसका फायदा लक्षद्वीप को ये मिला कि उसकी खूबसूरती की तरफ लोगों का ध्यान गया। कहते हैं कि लक्षद्वीप के आइलैंड भी ट्रॉपिकल हेवन से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया के बाकी कोस्टल एरिया में सी सैंड पीले रंग का है, वहीं मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप में सी सैंड सफेद है, इसीलिए यहां पानी ब्लू कलर में नजर आता है। यही वजह है कि लक्षद्वीप खूबसूरती के मामले में मालदीव को भी टक्कर देता है। लक्षद्वीप की आबादी कम है, यहां के 26 आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं। ये भी एक कारण है कि यहां की नेचुरल ब्यूटी बरकरार है। करवत्ते लक्षद्वीप की कैपिटल सिटी है, जहां वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने और ग्लास फ्लोर वाली बोट से समंदर देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। यहां की मोहिद्दीन मस्जिद अपनी खूबसूरती और नक्काशी के लिए फेमस है। अगत्ती स्कूबा डाइविंग और कलरफुल सी फ्लावर्स के लिए फेमस है, तो वहीं कदबत आइलैंड बोटिंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास फ्लोर वाली बोट के लिए फेमस है। इसके अलावा लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे भी हैं जहां जाना बैन है, तो कुछ पर जाने के लिए आपको गवर्नमेंट से स्पेशल परमिट लेना होता है। होने को तो लक्षद्वीप मालदीव जितना ही खूबसूरत है, लेकिन मालदीव को कंपटीशन देना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी तक यहाँ पर टूरिज्म के डेवलपमेंट पर इतना फोकस किया ही नहीं गया है। वही मालदीव पूरी तरह से टूरिस्ट डेवलप आइलैंड है, जहाँ पर 250 होटल और रिजोर्ट हैं, हर जगह लग्जरी है। लक्षद्वीप में कोई एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ अगत्ती आइलैंड में एक रनवे स्ट्रिप है,
यहाँ जाने से पहले कोचीन जाना पड़ता है क्योंकि कोई डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ के लिए नहीं है। एंट्री के लिए परमिट की जरूरत होती है जिनका ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। क्लीयरेंस मिल जाने पर भी टूरिस्ट को हर जगह लोकल पुलिस स्टेशन से सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, जबकि मालदीव में वीजा ऑन अराइवल है, यानी टूरिस्ट विंडो पर पासपोर्ट दिखाकर वीजा मिल जाता है। लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लिमिटेड है, यहाँ BSNL ही एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी वजह से टूरिस्ट के फोन काम नहीं करते। नेटवर्क ना होने की वजह से डिजिटल पेमेंट भी नहीं हो पाता। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप को टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करना शुरू कर दिया है। हालांकि वहां डेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इससे इकोसिस्टम बिगड़ने का खतरा रहता है। पिछले दिनों जब अगत्ती में सरकार ने एक और रनवे बनाना शुरू किया ही था तो उसका काम रोकना पड़ा क्योंकि इससे ओशन टर्टल्स के आवास पर असर पड़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि यूज लेवल पर कंस्ट्रक्शन या बदलाव हुए तो यहाँ का नेचर भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी तक भारत ने लक्षद्वीप पर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया था और हमारे ज्यादातर टूरिस्ट मालदीव जाते थे क्योंकि भारत हमेशा से ही मालदीव का सबसे अच्छा दोस्त रहा था। मालदीव के इतिहास की जड़ें भी भारत में मिली हैं। कोल्बी कॉलेज के प्रोफेसर जॉन हेगिड्रोन कहते हैं कि मालदीव शब्द संस्कृत भाषा की शब्द माला और द्वीप से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला। यहाँ के लोगों को देवहीन कहा जाता है, जो द्वीप या द्वीप से मिलकर बना है। ये द्वीप भी संस्कृत के शब्द द्वीप से निकला है। 17वीं सदी में छपी किताब आलमा शिहाब अल दीन के मुताबिक मालदीव क्षेत्र में आकर बसने वाले लोग पहले भारत के कालीबंगा से थे। बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मालदीव में बसने वाला पहला शख्स भारत के गुजरात से था। कहते हैं कि साउथ एशिया के कई देशों की तरह मालदीव भी अंग्रेजों का गुलाम था। 1965 में इसे आजादी मिली और 1978 में इलेक्शन के बाद इब्राहिम नासिर को हराकर अब्दुल गयूम मालदीव के प्रेसिडेंट बने। अगले 30 सालों तक वो मालदीव के प्रेसिडेंट रहे। कहते हैं कि उनके तख्तापलट की 3 बार कोशिश की गई, लेकिन 3 नवंबर 1988 में ये कोशिश कामयाब होती दिखी जब अब्दुल गयूम भारत आने वाले थे। हुवायो के मालदीव के बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतीफी ने लिट्टे के 200 आतंकियों को मालदीव बुलाया और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की प्लानिंग की। इसी बीच गयूम का प्लान भी पोस्टपोन हो गया और वो प्रेसिडेंट्स हाउस फिर से पहुंच गए। बावजूद इसके लतीफी के टेररिस्ट ने हमला करके मालदीव के रेडियो स्टेशन और सरकारी टीवी चैनल्स पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद गयूम को अपनी जान बचाकर छिपना पड़ा। उन्होंने सिंगापुर, श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अमेरिका मदद करना चाहता था लेकिन उसके वॉरशिप काफी दूर थे और जब उन्होंने ब्रिटेन को फोन किया तो ब्रिटेन ने उन्हें भारत की याद दिलाई। गयूम ने भारत से मदद मांगी और भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मदद देने के लिए तैयार हो गए। महज 10 घंटे के भीतर उन्होंने इंडियन फाइटर जेट्स को मालदीव भेजा, जहां एक वीरान आइलैंड पर इंडियन एयरफोर्स ने अपने पैरा कमांडोज को उतार दिया। भारत के इन पैरा कमांडोज ने मालदीव की कैपिटल सिटी माले पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सारे टेररिस्ट मालदीव से भाग छुटे। इंडिया के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। इतिहास बताता है कि ऑपरेशन कैक्टस की वजह से ही मालदीव में डेमोक्रेसी बरकरार रही और इसके बाद भी गयूम 20 सालों तक प्रेसिडेंट बने रहे। गयूम और उनके बाद के जितने भी प्रेसिडेंट मालदीव में हुए, उन्होंने हमेशा ये याद रखा कि कैसे जरूरत पड़ने पर भारत ने उनकी मदद की थी। भारत ने न सिर्फ मालदीव में डेमोक्रेसी को बचाया बल्कि और भी कई मौकों पर मदद की। 26 जनवरी 2004 मालदीव में सुनामी आई और यहाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तब भी मदद के लिए भारत ही आगे आया और इंडियन एयरक्राफ्ट्स राशन लेकर मालदीव पहुंचे। कई सालों तक मालदीव उजड़ा रहा और भारत उसे संवारने में मदद करता रहा। जुलाई 2007 में मालदीव में तूफान आया, तब भारत ने 10 करोड़ की मदद दी। कहते हैं कि जब कोरोना में टूरिस्ट मालदीव जाना बंद हो गए, तब यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने भारत से एक बार फिर मदद मांगी थी। भारत ने ना सिर्फ उन्हें इकोनॉमिकल हेल्प ऑफर की बल्कि वैक्सीन भी भेजी। इन सब एहसानों के बावजूद मालदीव के रिश्ते भारत से तब खराब हो गए जब हाल ही के इलेक्शंस में यहाँ चीन ने दखल दे दिया। हुआ यूं कि हाल ही के चुनावों में मालदीव की विपक्षी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस की जीत हुई और 17 नवंबर 2024 को मोहम्मद मोइजू यहाँ के प्रेसिडेंट बने। मोइजू ने अपना इलेक्शन कैंपेन ही इंडिया आउट की नीति पर किया था। उन्होंने साफ कहा था कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो इंडियन आर्मी को मालदीव से वापस भेज देंगे। उनकी जीत भारत के लिए एक बड़ी हार साबित हुई क्योंकि उनके आते ही मालदीव का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा। यही कारण था कि लक्षद्वीप भारत के लिए और भी जरूरी हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप की वजह से भारत को अरेबियन सी में
20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एक्सेस मिल जाता है। भले ही लक्षद्वीप का एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का हो, लेकिन 1982 के यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के रूल ये कहते हैं कि किसी देश के कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर तक के एरिया पर उसी देश का अधिकार होगा। लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास 9 डिग्री चैनल का एक ऐसा सी रूट है जो फारस की खाड़ी को ईस्ट एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। लक्षद्वीप श्रीलंका और मालदीव के भी करीब है। यही कारण है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिहाज से ये बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ के कवरत्ती में इंडियन नेवी का बेस INS द्वीप रक्षक है जो पर्शियन गल्फ और ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट पर है। ये वो रूट है जहाँ सोमालियाई पायरेट्स का भी खतरा बना रहता है और इस वजह से यहाँ की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। लक्षद्वीप के लोग मछली पकड़ने और नारियल की खेती करने जैसे काम करते हैं, क्योंकि इंडिया के टूरिस्ट अब तक मालदीव जाया करते थे। मालदीव में 70% नौकरियां भी टूरिज्म सेक्टर से पैदा हुई। इंडिया से हर साल इतने टूरिस्ट मालदीव गए कि टोटल इनकम का 20% हिस्सा तो इन्हें इंडिया से ही मिलता रहा। डेटा बताते हैं कि यहां हर साल 20 लाख लोग घूमने जाते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंडिया से आते हैं। इतना ही नहीं, मालदीव के स्कूल्स में हर चौथा टीचर भी भारत से ही आता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि मालदीव में टोटल 212 स्कूल हैं, जिनमें 25% इंडियन टीचर्स हैं। अगर ये मालदीव छोड़कर चले जाएं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। मालदीव की 98.4% आबादी मुस्लिम है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थीवी ही है, जो श्रीलंका की सिंहली लैंग्वेज जैसी है। इसे अरबी की तरह दाएं से बाएं लिखा जाता है। 1200 आइलैंड से बनी इस कंट्री के ज्यादातर आइलैंड खाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत पिछले 40 सालों से मालदीव को डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहा है। खुद मालदीव के लोग भी भारत के साथ अपने रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, लेकिन अफसोस कि मालदीव की सरकार पर अब चीन का प्रेशर है, इसीलिए भारत की आस लक्षद्वीप से है। लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है, जहां से एक पार्लियामेंट सीट संसद में रिजर्व है। 1999 तक इस सीट पर कांग्रेस के PM सईद लगातार फतेह हासिल करते रहे, लेकिन 2004 में पहली बार यहां जनता दल ने बाजी मारी। 2009 में फिर से कांग्रेस ने वापसी की और 2014 में NCP ने। हाल के सांसद यहां मोहम्मद फैजल है, जो NCP से आते हैं, लेकिन यूटी होने के कारण खुद सेंट्रल गवर्नमेंट लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है। फिलहाल लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जिन्हें 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। कहते हैं कि गुजरात BJP के लीडर प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप आते ही बीफ बैन कर दिया था और शुक्रवार की छुट्टी के दिन को बदलकर रविवार कर दिया था, जिस वजह से यहां के सांसद मोहम्मद फैजल से उनकी अनबन भी हुई और लक्षद्वीप मीडिया की सुर्खियों में आ गया। आज लक्षद्वीप फिर से सुर्खियों में है और वजह जग जाहिर है। लक्षद्वीप को एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2021 में ही सुहेली, मिनिकॉय और कदमत आइलैंड पर 230 विला और 140 वाटर विला बनवाने शुरू कर दिए थे। वहीं हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी के बाद खुद टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में 2-2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट्स बनाने का ऐलान किया है। मिनिकॉय आइलैंड पर एयरपोर्ट बनाए जाने की तैयारी चल रही है, जहाँ पर फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल फ्लाइट्स भी उतर सकेंगे। लक्षद्वीप मिनरल्स और मछलियों का भंडार है और वो दिन भी दूर नहीं है जब ये खूबसूरती में मालदीव से कई आगे होगा। इंडियन टूरिस्ट भी अब लक्षद्वीप का रुख कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कभी लक्षद्वीप गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी। अपने सजेशन आप हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।